डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की ये जो काविश है उर्दू सहाफत के 200 साल बनाने वाली, ये इंतहाई काबिले सताइश काविश है। इसका ख्याल आया इनको, इन्हीं को आने का हक भी था उनका, ज़रूरत भी थी उनकी, और इस हक को इन्होंने खूब समझा और इस ज़रूरत की बड़ी उमदगी से तकमील करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस कदर हंगामा आरई के साथ, किस कदर जस्तजू के साथ ये काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जब ये अपने कल्मिनेशन को पहुंचेगा नवंबर के महीने में, तो यकीनन बहुत सारी बातें आने वाले ज़मानों में बहुत देर तक दोहराई जाते रहेंगी कि ये क्या खूब काम किया था जर्नलिज्म डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वालों ने। इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूँगा जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट वालों को भी और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को भी, कि ये सारी बातचीत में कहीं पर मुझे सुनने को ये जिक्र नहीं मिला कि टीपू सुल्तान के अहद में उनके जीते जी उर्दू में एक रिसाला, उर्दू में एक अखबार निकाला जाता था जो हफ्तावारी तौर पर चौराहों पर बावाज़े बुलंद पढ़ा जाता था और उसमें खबरें दी जाती थी। और अगर ये हकीकत है तो फिर मतलब ये कि उर्दू सहाफत 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। 1799 में तो गुजर गए टीपू सुल्तान शहीद, लेकिन उससे पहले जब अगर ये होता था, इसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छा मजमून पढ़ा था, अफसोस कि वो मजमून में संभाल के नहीं रखा, लेकिन सन 2000 में जब मैं जी टीवी में काम करता था तो वो मजमून मेरे पास आया था और उसमें बड़ी तफसील से बताई गई थी वो बातें कि क्या क्या मौजूद पर खबरें होती थी और किस तरह उसको पढ़ाया जाता था और किस तरह जिस तरह टीपू सुल्तान एक इंतहाई दूरबीन निगाह रखने वाले थे, तो उन्होंने सहाफत या कम्युनिकेशन को भी बहुत अहमियत दी थी और उस पर काम भी हुआ था। तो मैं गुजारिश करूंगा महकुमा शोबा जर्नलिज्म वालों से कि वो इसके ऊपर तहकीक करें कि क्या वैसा कुछ हुआ था। और बाकी जो काम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इस होने वाले सेमिनार से मुतालिक उर्दू रिसालों में बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा है, मतलब मजामीन आ रहे हैं, लोगों का जहन उस तरफ जा रहा है और लोग अपने जहन को उस काम में लगाए हुए हैं, ये खुद एक इंतहाई खुशाइन किस्म की बात है। मुझे यकीन है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जहाँ पर उर्दू हमारे से ज़्यादा जो है रिवाज पाई हुई है, वहाँ पर भी कुछ काम हो रहा होगा, वहाँ के लोग भी अपना कुछ ना कुछ योगदान देंगे इस सारे मामले में। वैसा हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो जाता है सारा मामला। मेरी नेक तरीन तमन्नाएँ शोबे के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, इस मौजू और इस फिक्र के साथ, अल्लाह आप लोगों को कामयाब कामरान रखे। और जर्नलिज्म के बच्चों से मैं यही कहूँगा कि बहरहाल अपना काम है जस्तजू और मेहनत के साथ करना, बाकी का उसके ऊपर सिला देना वो मालिक का काम है। मालिक जब मुलासिब समझता है जब देता है, और वही हमारे लिए सही भी होता है।